हजरात अरबाब मुदरिस मुकर्रम शुरका आप और मैं यहाँ पर इस इलाके की मारूफ समाजी इल्मी उस्ताद शख्सियत मलिक गुलाम हसन लुड़का साहब मरहूम व मकबूर के इसाले सवाब इरसाले सवाब उस्ताद मोहतरम की दर्जात की बुलंदी की इस दुआ में आप और मैं यहाँ शरीक हैं। परवरदिगार आलम मोहतरम उस्ताद मलिक गुलाम हसन मरहूम की मगफिरत बख्शिश फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अमानतों की हिफाजत फरमाए, उनके मरहूम के लवाहिकीन उसके बिरादरान उसके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला हाजिर और सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। ये एक उस्ताद की याद में इसाले सवाब में इसाले सवाब के लिए ये मुनअक़िदा ये एक इज्तिमा है जो उनकी इल्मी बहसियत उस्ताद के जो वो सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे वो इस इलाके की एक समाजी और एक सियासी ख़ानदान के वो चश्म चराग के बहुत सारी चीज़ों में वो एक मोतबर मोतमद और एक खूबसूरत रिवायत के अलमबरदार रिवायत इल्म के इल्म खुद इबादत है। अल्लाह और उसके रसूल के दीन की रोशनी में दीन के हवाले से ये एक तसव्वुर और ये एक कंसेप्ट मुआशरे और सोसाइटी के अंदर इस कंसेप्ट को आया करना आश्कार करना वाज़े करना ज़रूरी है कि इस्लाम की निगाह में इल्म इबादत है, वो इल्म दीन का हो या दुनिया का हो। ये तसव्वुर अहद ज़वाल की पैदावार है कि हम इल्म को दो खानों में तकसीम करते हैं कि ये इल्म दीनी है और ये इल्म दुनियावी है। कुरान की रोशनी में कुरान का तसव्वुर इल्म वो जामे है, दीन और दुनिया दोनों की कैफियतों में इंसान का अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना वो इल्म इल्म कामिल है। मैं अपने इस दावे और अपने इस मुकदमे की दलील में कुरान की ये आयत पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तरीन दुआ है जो कुरान में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिच के कह रहे हैं, आप अर्ज कर रहे हैं कि ऐ पालनहार ऐ परवरदिगार ऐ मेरे रिज़्क रसान नबातात और जमादात और हैवानात और चरिंद और परिंद शर्क व गर्ब मशरक व मगरब तख्त सरा से लेकर अर्श उला तक की जो चीज़ जो भी शय शय कहलाने की सजावार है मुस्तहिक है इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर कि जिस चीज़ को आप चीज़ कहते हैं जिस चीज़ को आप शय कहते हैं वो नूरी हो वो नारी हो वो दरख्तों की सूरत में हो पत्थरों की सूरत में हो इंसानों की सूरत में हो वो जिनों की सूरत में हो वो मलाइका की सूरत में हो वो नबियों वलियों कुतुबों गौसों की सूरत में हो वो ताबे फरमान मखलूक की सूरत में हो
वो नाफरमान मखलूक की सूरत में हो, सबका राजिक रोजी रसा अल्लाह है। के रब्बना आतिना, ऐ पालने वाले, ऐ पालनहार, ऐ रब्बुल आलमीन, कि इस 14,000 तबक में जिस तर्ज की, जिस नौ की भी मखलूक है, उन तमाम मखलूक की हर किस्म को ऐ अल्लाह तू ही सहारा देने वाला है। ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे पालनहार, हमें इस दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा। तो ला महला इस दुनिया में जो इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, यानी आखिरत में भलाई की दुआ बाद में है, पहले इस दुनिया में है, क्योंकि इस दुनिया में आपने मैंने रहना है, इस दुनिया में आपने मैंने खाना है पीना है, इस दुनिया के लवाजमात हैं, इस दुनिया के तकाजे हैं, इस दुनिया में आपने मैंने रोटी कपड़ा मकान इलाज जमीन प्रॉपर्टी फैक्ट्री मिल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इस दुनिया में आपने मैंने इस दुनिया में जो आए हैं, इस दुनिया में आप और मैं तमाम लवाजमात के साथ आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को मुकद्दम कह रहे हैं कि रब्बाना आतेना, कि या अल्लाह मुझे इस दुनिया में। तो गोया ये दुनिया जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, इसमें गाड़ी की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, रिहायश की भी जरूरत है, जमीन की भी जरूरत है, सनअत की भी जरूरत है, तिजारत की भी जरूरत है, और इस दुनिया के मुख्तलिफ उलूम है, फनून है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो मुख्तलिफ रुझानात मैदानात और मुख्तलिफ दिलचस्पियां पैदा लेकर पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के अंदर दिलचस्पी जो है वो अल्लाह ताला ने मुतफावत रखी है, जुदा जुदा रखी है। मेरे उस्तादी अल मुकर्रम शेखुल इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी जैसे लोग कि जो माशरे को सोसाइटी को रहनुमाई देने की, और जो पूरी दुनिया में जो फकत मशरे को नहीं, फकत मुसलमानों को नहीं, जो आलम मगरब को, आलम कुफर को, जो इस्लाम के न मानने वाले हैं, जो उनसे भी एड्रेस करें, जो उनसे भी खिताब करें, जो उनको भी दीन की दावत दे। इस्लाम जो है वो फकत वो एक चक के लिए, एक बस्ती के लिए, एक जिले के लिए या एक कौम के लिए तो नहीं है, वो मलकों घोषणों का दीन तो नहीं है, वो लुड़कों का दीन तो नहीं है, वो चौधरी और मलकों का दीन तो नहीं है, वो खानों पठानों नवाबों का दीन तो नहीं है, वो दीन को कुल का कुल पूरी इंसानियत के लिए दीन है। तो नाम आला, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा कि बच्चे के तभी उसके रुझानात उसके मैलानात होते हैं। कोई आदमी चाहता है, कोई बच्चा चाहता है कि मैं दर्जी बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं वकील बन जाऊं, उसकी दिलचस्पी होती है कि मैं जज बन जाऊं, मैं कानून के अंदर जो है वो उसमें महारत हासिल करूं लीगली हवाले से, कोई चाहता है कि मैं उस्ताद बन जाऊं, ये उसकी दिलचस्पी है, कोई चाहता है कि मैं ड्राइवर बन जाऊं, ट्रैक्टर का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं PhD कर लूं, MPhil कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं मेडिकल के अंदर। तो ये उसके तभी रुझानात और मैदानात है, क्यों कि मुआशरा जो है ये फकत एक चीज का नाम नहीं है। माजरत के साथ जो बात मैंने वो पचीता छेड़ ली, ये सैनाप्सिस के PhD के दर्जे का ये रिसर्च वर्क है कि दीन के अंदर जो इल्म का तस्वुर है वो इल्म फकत दीन का नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि फकत जो है वो कुरान का पढ़ना, कुरान के तस्वुर में कुरान बायोलॉजी का इल्म बयान करता है, फिजिक्स का भी इल्म बयान करता है, रियाजी और मैथ का भी इल्म बयान करता है, और कुरान की निगाह के अंदर इल्म जो है वो जामे इल्म है। लिहाजा अगर कोई आदमी इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ना भी इबादत है, कि अगर आप उस इंग्लिश को पढ़ते हुए, लिटरेचर को पढ़ते हुए, खंगालते हुए आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, आप मिस्टर चिप को पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ते हुए आपकी महारत, आपकी उसके अंदर तहकीक में, नजरिए में, सोच में, नीयत में ये हो कि मैं इस नॉलेज को, इस इल्म को, इस जुबान को, इसके अंदर कमान और दस्तरस और इसमें रिसर्च करके मैं अल्लाह की याद को बाकी रखूंगा, और जो लोग इस जुबान के बोलने वाले हैं उन तक भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊंगा। तो जिस तरह अरबी जुबान का पढ़ना वो दीन है, इसी तरह इंग्लिश का पढ़ना भी। लिहाजा अब अगर आदमी कोई सर पढ़ता है, नाप पढ़ता है, वो तफसीर पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, वो मुदरसा इरशाद उल उलूम में पढ़ता हो, वो खैर उल माद में पढ़ता हो, वो अनवार उल उलूम में पढ़ता हो,
तो इसी तरह अगर वो किसी पंजाब कॉलेज में, किप्स में, राइज में और किसी कॉलेज में और किसी कॉलेज के अंदर वो बीएस कर रहा है, वो प्रोग्राम अगर उसके अंदर उसकी नीयत, उसका इरादा, उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, उसका विजन, उसकी सोच, उसकी फॉर्म, उसकी बसीरत, उसका उसकी प्लान और उसका मंसूबा ये है कि ये जो चीज मैं हासिल कर रहा हूँ इस फन में मैं महारत हासिल करके रिस्क हलाल की कोशिश करूंगा, तो रिस्क हलाल ये फराइज़ और वाजिबात के अंदर अहम चीज है मादरत के साथ, क्योंकि जब कौमों पर सवाल आते हैं तो कौमों पे जब सवाल आते हैं तो फिर सवाल इल्म पर भी आ जाता है, सोच पर भी आ जाता है, फिर सवाल जब आता है तो फिर वो सवाल फकत ये नहीं कि वो सियासतदानों पर सवाल आ गया है, समाजी लोगों पर सवाल आ गया है, फिर वो सवाल उलमा पर भी आता है, फिर उलमा की तरजीहात भी, फिर ये नूर बशर हाजिर नाजिर इल्म गैब के झगड़े रह जाते हैं उनकी भी विजन में, सोच में, फिर वो आलमी उफुक नहीं होता कि ये दीन जो है, ये रसूलुल्लाह का दीन जो है, ये फकत पाकिस्तान के लिए नहीं, ये आलमी दीन है, रसूलुल्लाह की जो नबुव्वत है वो आलमी नबुव्वत है, और आलमी नबुव्वत और पूरे आफाक के लिए जिस रसूल की नबुव्वत है, उस रसूल की नबुव्वत को, उसके निजाम मुस्तफा को, उसके निजाम मुहम्मदी को, उसके निजाम मुस्तफी को, उसके निजाम कुरान को, उसके निजाम इस्लाम को, उसके निजाम रुश्द हिदायत को आगाह करने के लिए, आश्कार करने के लिए, फिर इंसान को जिंदा होकर सोचना होगा। महज एक कस्बे एक चक का मौलवी बनकर नहीं, एक मस्जिद का खतीब बन और मौलवी बनकर नहीं, उससे सोचना होगा कि मैंने जो बात करनी है इस बात का असर कहां तक जाना है, मैंने लोगों को दीन की दावत कैसे देनी है। तो लिहाजा जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये था कि इस्लाम की निगाह में इल्म का जो तसव्वुर है वो दीन और दुनिया दोनों का जाने है। कि आप अपने बच्चों को इल्म दें, नाम आला ये भी बता दूं, ये जो मुसलमानों की मजहबी देवबंदियों की, बरेलवियों की, शियों की, सुनियों की, मुकल्लदों को गैर मुकल्लदीन की ये जो लड़ाइयां हैं, उन झगड़ों का बुनियादी एक सबब ये भी है कि हमारे यहाँ इल्म में वुसअत नहीं है, हमारे अंदर इल्म में रसूख नहीं है, इल्म में तबाहुर नहीं है, इल्म के अंदर दिक्कत नजरी नहीं है, इल्म के अंदर जो है वो गहराई और गिराई नहीं है, इल्म में वुसअत नहीं है। लामाला जब इल्म में वुसअत नहीं होगी तो सीने में वुसअत कैसे आएगी। जब इल्म के अंदर इंसान का इल्म ही से तजर्बा बढ़ता है, मुशाहदा बढ़ता है, सोच के अंदर वुसअत पैदा होती है, सोचने का अंदाज, कहने का अंदाज, कहने का ढंग, करीना सरीका बदल जाता है कि मैंने जो बात करनी है इससे किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की जो डेफिनेशन, जो मुसलमान की जो तारीफ की कि फरमाया कि मुसलमान कौन है, फरमाया मुसलमान वो है कि अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिल्ले साने ही वजाते ही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान की इज्जत, आबरू, उसकी जान, उसकी माल जो है वो महफूज हो। लिहाजा हम क्योंकि अहदे जवाल में रहे, अहदे जवाल में जी रहे हैं, अब बनी इसराइल यहूद के रास्ते पे मुसलमान चला हुआ है, तो ला माला फिर हमारी तरजीहात भी, अब हम वारिसान मेहराब व मिंबर जो गुफ्तगू करते हैं वो भी फिर अहदे जवाल के तकाजों में, कभी ईसा अलैहि सलाम पर झगड़े करते हैं, कभी हाथ उठाकर दुआ मांगने पर, कभी हाथ बगैर इसाले सवाब पर हाथ उठाकर मांगे या हाथ उठाए बगैर दुआ करें, वह तीन दिनों के बाद दुआ मांगनी जायज है या ना जायज है, ये फरूई इख्तिलाफात, वह आजान से पहले या आजान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़कर, नबी अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी सुनकर आपके नामों को अंगूठा चूम के आंखों पर रखा जाए कि ना रखा जाए। हम इन जगहों पे हुजूर नूर थे या बशर थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अर्शों पर जो मेराज की थी वो हुजूर की रूहानी मेराज थी या जिस्मानी मेराज थी। लिहाजा इन फुरुआत के अंदर, इन झगड़ों के अंदर कौम को हम धकेलते हैं, क्यों कि जब टारगेट, विजन, सोच, मकसद, नस्कुल ऐन जब मुअय्यन और मुशाखस नहीं होता, इल्म के अंदर वुसअत नहीं होती, क्योंकि इस्लाम जो है वो फकत ये नहीं कि आप फकत अरबी का इल्म है, अरबी का इल्म ये जरूरी इल्म है, बुनियादी इल्म है, अरबी जुबान बैनुल अक़वामी, बैनुल इंसानी, पूरी दुनिया की जुबान है, और अरबी जुबान ने इंग्लिश को बहुत कुछ दिया है, ये जो ग्रामर है, ये जो कंपोजिशन है, ये जो सर्फ नाव है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी ग्रामर कंपोजिशन, ये टेंसेस, ये सारे के सारे इसकी उसूल साबित अरबी जुबान ने दिए।
अरबी जुबान उसूली उम्मुल लिसान है, ये जुबानों की माँ है। और यही वजह है कि अगर अरबी जुबान में इंसान को दस दस ना हो तो वो सही उर्दू भी नहीं बोल सकता। तो इस्लाम ये अरबी जुबान को, क्योंकि हमने लूले लंगड़ों के सपोर्ट कर दिया है कि ये दीन जो है ये लूले लंगड़े माजूर जो है कि जो मुआशरे में और सोसाइटी में बोसनों का फर्ज आलिम बने, उसको अगर आलिम कहा जाए मौलवी कहा जाए तो वो कहते हैं अच्छा, बोसनों का, लड़कों का, चौधरियों का, विजियों का, खानों का, पठानों का, भाई जुमा खान अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? मुआशरे के, सोसाइटी के वो लोग जो मुआशरे के अंदर समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, सकाफती हवाले से, तहजीबी हवाले से, मुआशरती हवाले से जिनका स्टेटस है, अगर वो दीन पढ़ेंगे तो जब वो मिंबर पर आएंगे, जब वो बात करेंगे तो उनकी बात का अपील करने का अंदाज भी कुछ। तो ला माला, अगर सोसाइटी को नफरतों से, अदावतों से, दुश्मनियों से, झगड़ों से, फिरकावारियत से, मसलकी जंगों से, कि दुबंदी बरेलवी झगड़ों से अगर निकालना है, शिया और सुन्नी के झगड़ों से कौम को निकालना है और इंसानियत की खैर खाही का काम करना है, तो फिर अपने बच्चों को सही इल्म देना होगा। और इल्म जो है, ताला बोले इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व अला मुस्लिमतिन, फरमाया कि इल्म की तलब जो है इखलास के साथ, फरमाया कि ये इबादत है और ये फरीजा है, ये जरूरी है, जिस तरह नमाज वाजिब है इसी तरह इल्म शरीयत भी और इल्म दुनिया भी। इसलिए हमारे बुजुर्ग हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, जब ये फिक्र हनफी मुरतब हो रही थी, जब इसकी तरतीबो तदवीन का काम हो रहा था, उनकी शूरा के बहुत सारे असाजा, बहुत सारे लोग थे जो सर्फ में, मंतिक में, कलाम में, तफसीर में, हदीस में, जब वो कोई कानून और कानून पर डिस्कस और बहस करते तो वो तुजार लोगों को, ताजिर लोगों को, मईशतदानों को, कि जो जाकर मंडियों में जाकर काम करते हैं, कि मंडी के अंदर ब्रोकर किस तरीके से, कमीशन एजेंट जाकर मंडी के अंदर जो चीज जाती है उसकी महंगाई कैसे पैदा होती है। मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि बतलाए कि तवज्जो बात है, ये वारिसान मेहराब मिंबर का अब शौक नहीं रहा, ये शौक नहीं रहा। हम उन बातों में, उन डिबेट्स में, उन मुकालमात में, उन डायलॉग में और अपनी गुफ्तगू और अपनी रिसर्च और अपनी तहकीक को, अपने दिमाग को उन चीजों में खपाते हैं कि जिन चीजों के मुतालिक, जिनके फायदे कम है, नुकसान, फिरकावारियत, लड़ाई, झगड़ा। तो लिहाजा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कौम को जोड़ने के लिए आए, हुजूर उम्मत को तोड़ने के लिए नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम इंसानों को मुख्तलिफ तबकात को नबी अलैहिस्सलाम जोड़ने के लिए आए। नबी अलैहिस्सलाम का मरकजी, आपकी नबूवत का जो मरकजी ख्याल है, जो मरकजी उमूद है, जो मरकजी विजन है, जो मरकजी सोच है, वो क्या है? इत्तेहाद, वहदत उम्मत, के कौम को यकसुई के साथ, एक खास मकसद के साथ मुत्तहिद किया जाए। इनको मुख्तलिफ चीजें, स्लोगन देकर इन्हें लड़ाया ना जाए। इन्हें तौहीद के नाम पर, इन्हें रिसालत के नाम पर, इन्हें सहाबा के नाम पर, इन्हें अहले बैत के नाम पर इन्हें लड़ाया ना जाए। बात बड़ी राय की तवज्जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मबूस किया है, तो मैं नबी बनकर आया हूं और मैं मौलिम बनकर आया हूं, उस्ताद बनकर आया हूं। फरमाया कि जो पहले गुज़श्ता नबी थे वो भी अपने इलाके के, अपने वसीर के और अपने उस इलाके और अपने उस जमाने के लोगों के लिए वो भी एक रसूल, रसूल जो थे वो एक उस्ताद थे, एक मुरब्बी थे, एक मुअल्लिम थे, एक खैरखा थे। फरमाया कि मुअल्लिम का काम क्या होता है, उस्ताद का मनसब क्या होता है, उस्ताद करता क्या है? फरमाया कि वो छोटे बच्चों की नोक पलक संवारता है। फरमाया कि वो जो कलियां हैं जो उसके सुपुर्द हुई हैं, उन्हें अपने अमल के जरिए से और अपने लेसन के जरिए से और अपने सबक के जरिए से, अपने सब्जेक्ट और अपने मज़मून के जरिए से वो अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल की प्लानिंग करता है, उन्हें इंजीनियर, उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए, उन्हें अच्छा वकील बनाने के लिए, अच्छा जज बनाने के लिए, अच्छा हाकिम वक्त बनाने के लिए, अच्छा सरमायादार बनाने के लिए, अच्छा ताजिर बनाने के लिए, अच्छा सरमायादार बनाने के लिए उसकी जहन साजी करता है। माजरत के साथ, मैं खुद एक स्कूल, एक इदारा, मैं खुद, मुझे मालूम है कि असाज़ा का अब वियन, वो सोच इस दौर में वो नहीं रही।
कि हम अहद जवाल में आ गए हैं, और अहद जवाल में जब कौमें आती हैं तो फिर सारी चीजें हकदार, फिर अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाया कि जानते हो कि ये कुरान जो है, इस कुरान में अल्लाह ने मोकम आयात को नाजिल फरमाया है। फरमाए वाज़े चीजें, उनमें अटकल पच्चू कोई नहीं, कती चीजें हैं, मोकम चीजें हैं, उनके अंदर कोई इबहाम नहीं है, उसके अंदर जो है कोई इशारा नहीं है, उसमें कोई रंज नहीं है, उसके अंदर कोई ईमान नहीं है, उसके अंदर कोई बात जो है वो पिन्हा नहीं है, उसके अंदर कोई बात पुशीदा नहीं है। फरमाए वाज़े कुरान ने खुद का सूरह आले इमरान की इब्तिदा में कि वाहुल्लज़ी अनज़ला इलैकल किताब, कि वो अल्लाह वो है कि जिसने आपकी तरफ कुरान को, किताब को नाजिल किया है। और ये कुरान क्या है? फरमाया फी आयातुन मुहकमातुन, फरमाया कि इसमें अल्लाह ने मुहकम आयात को बयान किया है। फरमाया इसकी बाद आयात व उखरो मुतशाबिहात, इसकी बाद आयात जो है वो क्या है? मुतशाबे, जिसके अंदर ईमान को सब पे रखा जाता है लेकिन दावत तबलीग नसीहत मुआशरे को सोसाइटी को मोहकम बातें बताई जाती हैं। पर मैं मोहकम बात क्या है? अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह का निजाम तौहीद है। मोहकम बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम का निजाम सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लम का निजाम शरीयत है, वो मोहकम है। रसूलुल्लाह का निजाम इल्म है, निजाम रुश्द व हिदायत है। पर मैं ये मोहकम चीजें, फरमाया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो असहाब खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन सिद्दीक अकबर, ये आयत मोहकम है, उमर आयत मोहकम है, उस्मान आयत मोहकम है, जनाब अली अल मुर्तजा ये आयत मोहकम है, वाज़े हैं इनकी खिदमात, इनकी इल्मी फजीलतें, इनकी बरकतें, ये वाज़े हैं। फरमाया हाँ, आलो असहाब के वो मामला जो जंगे जमल में, जंगे सिफीन में जो आपस में मार पार आई हुई, फरमाया ये मुतशाबे चीजें हैं, यहाँ पर खामोश रहना पड़ता है, कफे लिसान करना पड़ता है। फरमाया कि आलो असहाब के 1400 साल पहले के लड़ाई और झगड़े के किस्से मुआशरे को, सोसाइटी को उकसाने के लिए, शिया सुन्नी की लड़ाई के अंदर और खून खराबा डालने के लिए, कि ये ठींगा मुश्ती करें, कोई अबू बकर के नाम पर कत्ल करे, कोई अली के नाम पर कत्ल करे, कोई अल्लाह के नाम पर लोगों को कत्ल करे, कोई रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अदब रिसालत के नाम पर वाशत और फिरकावारियत फैलाए, कोई सहाबा के नाम पर, कोई अहले बैत के नाम पर। फरमाया नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया। फरमाया ये मोहकम चीजें हैं, मोहकम नमाज है, मोहकम ज़कात है, मोहकम आमाल साले है, ये सिद्क है। फरमाया ये ज़कात, ये मोहकम है हज। फरमाया कि माशरे को, सोसाइटी को मोहकम बातें बताओ, तबलीग का हिस्सा मोहकम होना चाहिए, मारूफात का होना चाहिए। फरमाया वो चीजें कि जो मुतशाबे हैं, देखिए ना कि मोहकम क्या है। आप यहाँ से बिहारी जाना चाहते हैं तो बिहारी के लिए ये इशारा आम है, भाई चौकी शाम से आप सीधे कहाँ जाए, बिहारी ये मोहकम है, सीधा रास्ता है। इसी को कुरान ने कहा एक दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनअमता अलैहिम, कि ये सीधा रास्ता है। अब कोई आदमी अजनबी आदमी कहे कि मैं जनाब ये तो लंबा रास्ता पड़ता है, मैं दरमियान से शॉर्टकट रास्ता करता हूँ, भाई यहाँ से मैं आया हुआ हूँ 62 चक में, यहाँ से फिर मैं 60 चक में, जानता भी नहीं है, मैं 60 चक में जाऊँगा, आगे 214 ईबी बंगाला, फिर 36 चक से, फिर 40 चक से होता हुआ, फिर मैं 36 चक से निकलता हुआ पिपली अड्डी से, अड्डे से जाकर निकलूंगा, जखंडरा वाले रास्ते पर लूंगा, लामाला अजनबी होगा तो रास्ते में उसको पूछना पड़ेगा, रास्ते में उसको मुतशाबे, उसको शक पड़ जाएगा, तसव्वुर पड़ जाएगा। तो इस्लाम ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत भेजा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खत भेजा, फरमाया कि जानते हो कि ये सीधा रास्ता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दोनों अतराफ, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानात लगाए। फरमाया जानते हो कि ये दोनों जो रास्ते हैं ये मकदूब रास्ता है, एक तरफ मकदूब है, एक तरफ गालीम है, एक तरफ वो लोग बैठे हुए हैं कि जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया है, एक तरफ में वो लोग बैठे हैं कि जो गुमराह हो गए हैं। फरमाया ये सीधा रास्ता है, फरमाया इस सीधे रास्ते पर जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल कायनात, रसूल रहमत, रसूल इंसानियत, मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम इंसानियत और मुरब्बी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फरमाया कि सहाबा जानते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों तरफ ये जो मैंने निशान आप लगाए हैं, ये दरवाजे खुले हुए हैं, ये शैतान के दरवाजे खुले हुए हैं, ये तुम्हें बुला रहे हैं,
गुमराही के रास्ते तुम्हें बुला रहे हैं, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी ये सीधा रास्ता है। फरमाया कि अल्लाह ने इस सीधे रास्ते के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा मुफ्ती फरमाया उसको जज बना के रख दिया है, तुम्हें जज बताता रहता है इधर भी ना जाओ इधर भी ना जाओ, ये तुम्हारा जज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई मसला दरपेश हो तो फिर बंदे को मसला पूछने के लिए किसी मुफ्ती या किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्तफ्त कल्बे का, फरमाया कि जब कोई सवाल तुझे मुतरद्दिद करे कि ये सवाल ये मुझे काम करना चाहिए कि नहीं, ये काम मेरे लिए जायज है या ना जायज है, फरमाया कि मुफ्तियों के पास बाद में जाओ, पहले अपने अंदर से पूछो। वस्तफ्त कल्बे का फरमाया अगर तेरा दिल जो है अंदर का इंसान जो जमीर है, फरमाया अगर वो तुझे धक्का लगाए कि ये काम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए उसूली ज़ाब्ता है कि जो काम तन्हाई में तू कर रहा है अगर तुझे इस बात पर इतला की जाए कि ये जो तन्हाई में अकेले में बैठकर काम कर रहा है अगर लोगों को पता चल गया तो इससे बदनामी होगी। फरमाया मोटी सी बात है कि वो काम न करो जिससे तुम्हें बदनामी का रुसवाई का कि तन्हाई में ये काम मैं न करूं, तन्हाई में करते हो छुप के करते हो, लिहाजा अगर मैंने लोगों के सामने किया तो रुसवा हो जाऊंगा जलील हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा काम छुप उसूली बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। फरमाया यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम का दीन दीन मुहकम, वो दीन मुहकम क्या है, फरमाया नमाज, पंच गाना नमाज पढ़ो। फरमाया दीन मुहकम क्या है, बुराई से बचो, शराब से, जिना से, बदकारी से बचो। फरमाया कि क्या है, झूठ से, ये लगाई बुझाई से, ये खुसूमत से, लड़ाई और झगड़े से बचो। फरमाया कि ये इस वक्त ये जो कोरोना वायरस, ये जो आलमी वबा आई है, ये क्यों आई है, ये आपको मुझे एक शोकाज नोटिस, एक वार्निंग, ये आपको मुझे एक झटका लगाने के लिए कि आगाह हो जाओ, मुहकम बातों पर आ जाओ, मुतशाबे चीजों को छोड़ दो। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान की ये आयत नाज़िल हुई कि इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता किया। पर मैं ये खैरे कसीर कुरान है, ये खैरे कसीर आपकी सुन्नत है, ये खैरे कसीर आपका अखलाक है, ये खैरे कसीर आपके मौजदात है, ये खैरे कसीर आपकी औलाद है, ये फातिमा तुज़हरा का वजूद ये खैरे कसीर है, ये अली अल मुर्तज़ा का वजूद ये खैरे कसीर है, ये हसनैन करीमैन तय्यबैन का ये वजूद ये खैरे कसीर है, ये सिद्दीक उमर उस्मान और अली की खिलाफत रास्ता है ये खैरे कसीर है, ये आल व असहाब ये खैरे कसीर है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, मेरा और मेरी अहले बैत का रास्ता, मेरा और मेरे सहाबा का रास्ता, मेरा और अली का रास्ता, मेरा और अबू बकर का रास्ता, मेरा और उमर का रास्ता, मेरा और उस्मान का रास्ता, मेरा और अली का रास्ता, मेरा और हसन हुसैन का रास्ता, ये मेरा रास्ता। फरमाया कि इन लोगों के साथ जुड़े रहो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीन अल महदीन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन अखलाक का चार्ज कर, फरमाया वो बेहतरीन अखलाक क्या है, फरमाया बेहतरीन अखलाक फरमाया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ अदब, फरमाया ये बेहतरीन अखलाक है, फरमाया हमसाये के साथ हुस्न सलूक ये बेहतरीन अखलाक है, माँ का अदब बेहतरीन अखलाक है, बाप का अदब बेहतरीन अखलाक है, उस्ताद का अदब बेहतरीन अखलाक है, बड़े को उसका इहतराम करना, उसका इकराम करना, छोटे पे शफकत करना, फरमाया ये बेहतरीन अखलाक है। फरमाया कि अगर 100 हिस्से दीन के दिए जाए तो 98 हिस्से अखलाक के बनते, मुआमलात के बनते, मुआशरत के बनते, फरमाया हुकूकुल इबाद के बनते हैं, फरमाया फकत 2% दीन जो है वो क्या है, फरमाया कि वो हुकूकुल का है और 98 हिस्से हुकूकुल इबाद के, फरमाया कि इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर, आपको खैर बरकत अता फरमाई, फरमाया वो खैर बरकत किसकी, आपके अखलाक के, आपके प्यार की, आपकी शफकत की, आपकी राफत की, आपकी रहमत की, आपके प्यार की, कि आप खैर कसीर हुकूकुल्लाह का निजाम लेकर आए तो ये भी खैर कसीर है, और आप हुकूकुल इबाद का निजाम लेकर आए तो ये भी खैर कसीर है। इस वक्त जरूरत है कि आप और मैं वो इल्म दीन, वो इल्म दुनिया जो रसूलुल्लाह ले आए, फरमाया कि बायोलॉजी पढ़ो तो अल्लाह को न भूलो, फिजिक्स पढ़ो तो अल्लाह को न भूलो, जज बनो तो अल्लाह को न भूलो, कानून के अंदर रिसर्च और तहकीक करो तो अल्लाह को न भूलो, फैक्ट्री बनाओ तो फैक्ट्री में अल्लाह को न भूलो, ज़राअत करो, मुरब्बे काश कर लो उसमें अल्लाह को न भूलो।
فرمایا کہ پس دین جو ہے وہ سادہ سا دین ہے, فرمایا جس کو آپ نے میں نے پچیدہ کر دیا ہے, مشکل بنا دیا ہے, فرمایا اس قوم کو اب مزید لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, فرقہ واریت کی سلگتی ہوئی آگ میں, شیعہ سنی کی لڑائیوں میں, دیوبندی بریلوی کے جھگڑوں میں, اب اس قوم کو پھنسانے کی, جکڑنے کی نہیں, یہ وارثان محراب و منبر, علماء, فضلاء, خطباء, ائمہ, ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی محکم آیات کہ آپ نے میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, نظام توحید, نظام نبوت اور نظام آخرت, کہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے, آخری دنیا دار الجزا ہے, کہ اس میں آپ میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. یہ استاد کسی بھی علاقے کا, کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی سبجیکٹ کا استاد وہ وارث علوم پیغمبر کا, وہ پیغمبرانہ مشن کا حامل ہوتا ہے, اس کا وہ مشن اور اس کا وہ مسلک جو تعلیم دیتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے, اس کے کلام کا, اس کے شاگرد, پھر شاگردوں کے شاگرد, وہ جو کسی کو صحیح راستے پر لگا دیا وہ صدقہ جاریہ. فرمایا قیامت تک اس کے شاگرد بچے, فرمایا جس منصب پر, جس کرسی پر, جس جگہ پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو صحیح راستہ ڈائریکشن دیتے رہیں گے, اس کے نیک اعمال کے اندر اس کا حصہ لکھا جاتا رہے گا. محترم قبلہ ملک غلام حسن لڑکا ایک استاد تھے مرحوم, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, ان کی اولاد کی صورت میں اور ان کی تلامذہ اور شاگردوں کی صورت میں جو ان کے صدقات جاریہ ہیں, اللہ اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے, اللہ مرحوم کی امانتوں کی حفاظت فرمائے, مرحوم کے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اجر دے, بھائی غلام رسول صاحب اور باقی دیگر جتنے ان کے بھائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ